कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 2022 के चुनाव का आगाज। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, लोकसभा सीटों के लिहाज से कहें 80 लोकसभा सीट हैं, विधानसभा सीटों के हिसाब से कहें 403 सीट्स हैं और जनसंख्या के हिसाब से कहें तो तमाम देश, यूरोप के तमाम देश उत्तर प्रदेश के बराबर खड़े होते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को जीतना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना देश की गद्दी पर विराजमान होना। अगर आपने उत्तर प्रदेश जीत लिया, इसका मतलब है आपने देश की गद्दी का आधा रास्ता तय कर लिया। और यही कारण है कि अपने पूरे दमखम से सारी राजनीतिक पार्टियां लंबे समय से इसके लिए जुटी हुई हैं। लेकिन आज वास्तव में 2022 के चुनाव का आगाज हो गया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव का आगाज आज स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि काशी में पहुंच करके किया। उन्होंने ना सिर्फ 1500 करोड़ की सौगात दी लोगों को, बल्कि योगी जी की भरपूर प्रशंसा की, हर चीज़ में बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और अब सारी चीज़ें यहां पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने चुनावी निशाना भी साधा, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि 2012 से 2017 तक भी पैसा केंद्र से आता था और हमारी सरकार 2014 में बनी थी, हम पैसा भेजते थे लेकिन वो योजनाएं धरातल पर खरी नहीं उतरती थी। लेकिन अब जब से योगी जी आए हैं 2017 से लेकर के अब तक सारी योजनाएं धरातल पर खरी उतर रही हैं, ना सिर्फ खरी उतर रही हैं बल्कि पूरी की जा रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से विकास किया जा रहा है। कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने योगी की तारीफ की, विकास को लेकर के तारीफ की और उनके खुद लगे रहने के लेकर के बहुत जमकर उनकी तारीफ की। ये तो थी भारतीय जनता पार्टी की बात जिन्होंने आज प्रधानमंत्री ने चुनावी आगाज कर दिया है। अब बात समाजवादी पार्टी की करें तो हल्ला बोल के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी पार्टी ने आज अपने उसी अंदाज में इसकी शुरुआत की। आज हल्ला बोल किया महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और जो अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें धांधली को लेकर के पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। ये उनका अपना अंदाज है और अपने उसी अंदाज से उन्होंने चुनाव 2022 का आगाज किया। बात हम बसपा की करें तो बसपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। उनका जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था उसमें तब्दीली कर दी है। पहले पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में उन्होंने 101 मुसलमानों को टिकट दे करके ये बताने और जताने की कोशिश की थी कि वो अल्पसंख्यकों की कितनी हकदार हैं, वो अल्पसंख्यकों के साथ कितना खड़ा रहती हैं। लेकिन अब उन्होंने इसमें बदलाव कर दिया है और अब उन्होंने ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की, जो फार्मूला उन्होंने 2007 में अडॉप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ों को, अति पिछड़े जो उनसे रुष्ट होकर के कहीं चले गए थे, उनको एक बार फिर से अपने पाले में लाने की बात शुरू कर दी है। ये बसपा की बात थी। अब बात कांग्रेस की करें तो स्वयं प्रियंका गांधी वाड्रा कल से एक बार फिर लखनऊ के दौरे पर हैं और अमौसी से लेकर के हजरतगंज तक उनका स्वागत किया जाएगा, यानी कि कल ये दिखाया जाएगा कि उनकी शक्ति कितनी है। अभी तक जो संगठन में काम हुआ है वो उस शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, तो कल भी वो भी चुनाव का आगाज कर देंगी। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव का आगाज तो हो गया लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद चर्चा बढ़ाएंगे। वाराणसी में पीएम की सौगात, यूपी में सपा का शक्ति प्रदर्शन, बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग, प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा, उत्तर प्रदेश की ये चार तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में सियासी पारा कैसे आसमान पर चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग का आगाज इन चार तस्वीरों से लगाया जा सकता है।
यूपी के चार बड़े सियासी दल अपनी सियासी बिसात कैसे बिछा रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है। पीएम मोदी ने 7 महीने बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद वाराणसी से शुरू कर दी। भाग्यशाली अवसर है वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी कि ये गार्जियन के रूप में जिस तरीके से वाराणसी को उन्होंने सजाया संवारा है, समय से पूरा किया जो सारे प्रोजेक्ट, वो महत्वपूर्ण है। बधाई हो, शुभकामनाएं सारे देश को वाराणसी। तो दूसरे विरोधी दलों ने भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। गुरुवार को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने पहुंचे। इसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई आदि की परियोजनाएं शामिल रही। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। सिर्फ बीजेपी और सपा नहीं, बीएसपी ने भी 2022 की तैयारी में जोर मारते हुए सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को तैयार कर लिया है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 16 जुलाई से राज्य का दौरा करने वाली हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम पहली बार काशी दौरे पर पहुंचे और करीब 5 घंटे रहे। इन 5 घंटों में पीएम काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दे गए। यूपी के मौजूदा सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी की ओर से पीएम मोदी खुद ही सियासी रण में उतर कर मोर्चा संभाल रहे हैं। दरअसल बीजेपी काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल पर पंचायत चुनाव में अपने खिसकते प्रभाव को साधने की कोशिश में जुट गई है। पूर्वांचल का सियासी मिजाज हर 5 साल के बाद बदल जाता है, जिसके चलते बीजेपी काफी संजीदा हो गई है। वहीं यूपी में 350 पार का नारा अखिलेश यादव दे चुके हैं, इस पर भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरियों के वादों पर दांव आजमा रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। मायावती भी अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे बम्पर जीत का दावा ठोक रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती 2022 चुनाव के लिए कोई कोर कसर बाकी न छोड़ने के मूड में दिख रही हैं, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए आर या पार की लड़ाई साबित होने वाला है। यही वजह है कि मायावती ने लखनऊ में डेरा जमा रखा है और 2022 की सियासी जंग फतेह करने के लिए कास्ट फार्मूला तैयार किया है, जिसके आधार पर बसपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी शुक्रवार को यूपी के सियासी रण में उतर रही हैं, जिसके चलते सूबे में 2022 के चुनाव की तपिश बढ़ना लाजमी है। प्रियंका गांधी पार्टी के कई संगठनों के साथ बैठक कर 2022 के लिए व्यूह रचना करेंगी। लंबे वक्त से यूपी में वनवास झेल रही कांग्रेस 2022 के लिए आस लगाकर बैठी है, जिसके लिए प्रियंका का दौरा बेहद अहम है। जिस तरीके से सियासी दलों ने अपनी तैयारी में तेजी दिखाई है, ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूपी में 2022 की रणभेरी बच चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, 2022 के चुनाव का आगाज हो गया है, अब अंजाम क्या होगा ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, सबसे मौजूद सवाल है। हर पार्टी ने, हर छोटे दलों ने भी भरपूर तरीके से यहाँ पर मेहनत की और लगातार कर रहे हैं। AIMIM के शरदुद्दीन उवैसी साहब भी आज उत्तर प्रदेश में हैं, वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, मुरादाबाद में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए बुरी खबर है कि राजभर ने उनका साथ छोड़ दिया है। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को दर्शाते हुए वो आज उनके साथ में नहीं गए। तो क्या ये जो भागीदारी मोर्चा बना था, थर्ड फ्रंट बन रहा था, वो बनने से पहले ही टूट गया है ये? क्योंकि लगा इससे पहले भी थर्ड फ्रंट की लगातार बात हुई और इसी तरीके से होता रहा। हम इसी पर चर्चा करेंगे, पूरी डिबेट इसी पर रहेगी हमारी कि क्या 2022 के चुनाव का आगाज हो गया है और अब इसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ जो खास मेहमान है, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। शालिनी मेघी जुड़ गई हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है।
बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका। हमारे साथ में डीआर साहू साहब जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है साहू साहब। और हमारे साथ आर ए उस्मानी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में राजीव उपाध्याय जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजीव उपाध्याय जी। और बहुत सीनियर नेता, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता, चार बार विधायक रहे, एक बार सांसद रह चुके हैं, हरेंद्र मलिक साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी खैर मकदम है हरेंद्र मलिक साहब। सीधा रुख करेंगे शालिनी मैगी जी का। शालिनी मैगी जी, आज आपकी बारी है। आपने आपके प्रधानमंत्री, मतलब देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के नेता ने आज चुनाव का आगाज कर दिया है। ये देखा जाए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, अगर आपको पता है तो कोविड क्राइसिस के दौरान वो बनारस नहीं जा पाए, तो उसके बाद कोविड क्राइसिस के बाद, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं, तो वो वहां पर गए, वहां लोगों से मिले, वॉरियर्स से मिले, और वहां पर जो सबसे उनका जो काम चल रहा था 2015 से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, उसका इनॉग्रेशन करने गए थे। उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों के फाउंडेशन स्टोन रखे, उन्होंने मेडिकल बेड बनवाए और वहां पर 100 बेड बीएचयू में बनवाए। इसके साथ साथ जल शक्ति मिशन पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया, हमारे पास 3-लेन फ्लाईओवर का उन्होंने काम शुरू किया। तो ये सारी चीजें, सिर्फ मैं इसको बोलूंगी, सिर्फ आप इसको चुनाव से ना जोड़कर ये देखें कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 7 साल में कितना ज्यादा काम किया है। और क्योंकि कोविड के दौरान वो वहां जा नहीं पाए, तो इसलिए वो वहां गए और उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इंटरेक्शन किया अपनी जनता से। जी जी ठीक है। शालिनी जी, आप भले इसको चुनावी आगाज ना माने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति होनी चाहिए थी। हरेंद्र मलिक साहब, आपके पास आ रहा हूँ। सारी पार्टियां ने चुनाव का आगाज कर दिया, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको दिखाया। कल आप शुरुआत करेंगे इसकी, प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी लखनऊ में 3 दिन के दौरे पर। हरेंद्र मलिक जी, हरेंद्र मलिक जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। आपकी आवाज जी, अब खुल गया। वहां गए थे, वो वहां के एमपी हैं शायद, मेरी जानकारी, मैंने संविधान को पढ़ा भी है, देखा भी है। प्रधानमंत्री जी वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कोरोना पीरियड में वही मेंबर पार्लियामेंट थे, कोई दूसरा शायद उसमें नामित नहीं होता। और मुझे अफसोस ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोरोना परिजन बिछड़ गए, जो लोग मौत के ग्रास में समा गए उनके बारे में एक शब्द भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। अब तक मैं सोचता था केवल किसानों के प्रति ये उदासीन है, किसानों की 300 लोगों की शहादत के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सिर मुख से एक संवेदना का शब्द, सहानुभूति का शब्द नहीं निकला था, पर अब लगा कि ये इनकी आदत है। वैसे भी हर व्यक्ति का एक काम होता है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, मेरे भी प्रधानमंत्री, मैं भी सम्मान करता हूं उनका, वो केवल चुनाव के प्रधानमंत्री। जब कोरोना में देश चल रहा था तब वो दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, और वो उस तरीके से जिस तरीके से हमारा ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता करता उस तरीके से भाषण दे रहे थे, शर्माती है। परंतु अब हमें अपेक्षा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो यूपी में हुआ, चाहे उन्नाव कांड रहा हो, चाहे हाथरस कांड रहा हो, चाहे बलिया कांड रहा हो, चाहे वो कानपुर का कांड रहा हो, चाहे बुलंदशहर में सुबोध सिंह की वीरगति का कांड रहा हो, उस पर निश्चित रूप से कुछ बात कहेंगे, और कोरोना में जो लाशें गंगा में बही थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और ये कहेंगे कि मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात की और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। हमें यह अपेक्षा तो कतई नहीं थी उनसे कि जो जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उस पर वो चर्चा करेंगे, परंतु ये जरूर था कि संवेदनाएं दिखाएंगे और देश के नागरिकों को निश्चित रूप से वो इस आश्वस्त करेंगे कि अब नौजवान को रोजगार मिलेगा, नौजवान का रोजगार नहीं जाएगा, ठीक है, छोटे व्यापारी का। हरेंद्र मलिक साहब, आपका समय समाप्त हो गया, माफ करिएगा जी, एक एक मिनट का समय है आपके पास में,
मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा, बड़ी माफी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि यह आप उनको चुनावी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपकी यह सोच है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हम रुक करेंगे आर ए उस्मानी साहब का। आर ए उस्मानी साहब, आपने आज से हल्ला बोल शुरू कर दिया, आप अपनी पुरानी पद्धति पर आ गए, क्या ये भी यही एक चुनाव का आगाज था? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी बराबर लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो 2014 में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, 2017 में मैनिफेस्टो जारी किया था, 2019 के चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया था, उस संकल्प पत्र को आज तक पूरा करने का काम नहीं किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में आए, पूरे कोरोना काल में नहीं आए, वही बात नहीं, चुनाव आ गया, उत्तर प्रदेश में 6 महीने रह गए हैं, वो प्रकट हो गया करके। मैं तो सोच रहा था कि आज इस देश के 80% लोग जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, आज जो परेशान हैं, जिनके कर्जे माफी की घोषणा होनी चाहिए थी आज, आज पत्रकारों के, वकीलों के, डॉक्टर्स के, मास्टर्स के, टीचर्स के, बेरोजगारों के, युवाओं के, व्यापारियों के जो भी कर्जे हैं, चाहे वो दुकान का हो, मकान का हो, कार का हो, गाड़ी का हो, खेती का हो, ट्रैक्टर का हो, उन कर्जों को 1 करोड़ रुपए तक के कर्जों को आज माफ करने की उनको घोषणा करनी चाहिए थी। उनके संकल्प पत्र में उन्होंने वादा किया था कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो दे नहीं पाए, 10 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है। जो डाटा है इंटरनेशनल उसमें ये आ रहा है, जीडीपी गिर गई है, -25.9% पे पहुंच गई है। अब ये मुंह से अपने बोल के अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, अपने लड़के की सब तारीफ करते हैं, भाई आपने कहां पे कोई विकास योजनाएं चालू की है बताइए आप। आज कोरोना काल का रोना रोने लगेंगे अभी कि कोरोना काल आ गया, भाई कोरोना काल के लिए भी जो स्पेशलिस्ट है जो उसके कोरोना के, उस्मानी साहब आपका भी समय समाप्त हो गया, 1 ही मिनट का समय था आपके सबके पास में। जी दोबारा से रुक करूंगा, उस्मानी साहब दोबारा से आपके पास आएंगे और फिर आपको पूरा वक्त दूंगा। राजीव उपाध्याय जी, आपकी पार्टी ने यानी कि बहन जी ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चेंज कर दिया है। प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? प्रदीप जी देखिए, दो बातें पहले बहन जी से शुरू करने से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि बनारस में है, अपने संसदीय क्षेत्र में है, विकास कार्य के अपने विकास जो लोकसभा का उनका विकास क्षेत्र है उसके अंतर्गत वो आए हुए हैं। प्रदीप जी दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए चुनावी वर्ष है और चुनाव अब 2-4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को और साथ साथ हमारे सारे विपक्षी दलों को ये सवाल बनता है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा दुनिया जो है कोविड से पिछले 1-1.5 सालों से लड़ रहा है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पताल की बात करें, हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी है? हमने अभी देखा, अभी नोएडा से दिल्ली से लौट रहे थे तो नोएडा से लेकर लखनऊ के बीच में कई हाईवे पर और इधर उधर होर्डिंगें लगी हैं कि 10 स्मार्ट सिटी बन गए। अब भारत के प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योगी जी को बधाई भी दे दी नंबर 1 शहर बनने के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इन 10 शहरों को अगर नाम पूछ करके और वहां जाया जाए तो गड्ढा मुक्त भी हो पाया हो। मैनिफेस्टो की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार, अभी नागपुर मुख्य चुनाव हुए जिस तरह के अत्याचार और जिस तरह का चीरहरण हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, शायद भारत की आजादी के बाद से आज तक ऐसा कार्य नहीं हुआ होगा। ठीक है राजीव, राजीव जी आपका वक्त भी समाप्त। जी दोबारा से आऊंगा आपको, डीआर साहू साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे दो चीज समझना चाहूंगा, एक जो प्रधानमंत्री जी का ये दौरा था काशी का, इसको क्या मैं कह रहा हूं कि ये चुनावी 2022 के चुनाव का आगाज था, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, प्रधानमंत्री जी ने सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, क्या लगता है इसके पीछे की रणनीति क्या है? मैं पहला जवाब जो आपने सवाल पूछा है उसका मैं उससे सहमत, इसलिए सहमत हूँ
कि भले ही वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी संसदीय क्षेत्र के वो संसद भी है और बहुत सारे कार्यक्रम जो एक रूटीन कार्यक्रम होता है, जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उसकी इकट्ठा एक साथ सबको एक प्रोग्राम के रूप में रखे और महा प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता की वजह से हो सकता है वो गए हैं, ये बात सही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब कुछ दिन के बाद इलेक्शन की बात है और पंचायत की चुनाव खत्म हुआ है और इन लोगों ने पंचायत में परिणाम अच्छे हैं और उनकी एक एक उत्साह भी बढ़ा है और उसके साथ साथ एक कोविड का एक तरफ जो है अनिश्चितता के दौर था कोविड, और उसमें आपने देखा होगा तीसरी लहर की बात आ रही है और उसमें पता चला कि 6 जुलाई से WHO जैसे बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ गया है भारत में। इसी तरह से हम तो ये मानते हैं 14 जुलाई 15 जुलाई जो है उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनावी घोषणा एक तरह से है, जिसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसमें करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत रखने की प्रयास किए हैं, क्योंकि उनका इनफाइटिंग मैनेजमेंट बड़े अच्छे से हो गया अभी पंचायत चुनाव के बाद, तो अपनी आपस में जो एक प्रबंधन है वो बेहतर करके कर दिया गया है और उसमें आदित्य जी को उन्होंने एक एक चेहरा बनाया। दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी अब थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसमें मेरा एक सवाल आपसे उठा, वो स्पेसिफिक सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, इसके पीछे की आप रणनीति क्या देख रहे हैं? जी कोविड के समय में, पैंडेमिक के समय में आपने देखा होगा कि काफी लगाया जाता था कि तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं और सोशल मीडिया से ही ट्वीट से चलाते हैं, ये बात आपने देखा होगा। लेकिन ये लोग भी आज से वो घराव की बात कर रहे हैं, तहसील, मतलब ये अब रास्ते में आ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो ये एक समाजवादी पार्टी के लिए भी अवसर है, चुनौती है, क्योंकि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आप यदि उनके साथ हेड ऑन नहीं होंगे, सामने सामने नहीं होंगे, तो मुश्किल है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक ये लगाया जाता है कि उनको ये कॉम्प्लेसेंट ना हो, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि हमारे उत्तर प्रदेश की शासन जो है सत्ता हर समय बदलते हैं, 2007 में बदला, 2012 में बदला, 2017 में बदला और 2022 में भी बदला और वो सीधे उनके झोले में चला जाए, तो इस तरह से दोनों के लिए एक तरह से एक सिचुएशन है जिसमें समाजवादी पार्टी चुनौती भी है और अवसर भी है। बिल्कुल ठीक शब्दों का इस्तेमाल किया सर आपने, चुनौती भी है और अवसर भी, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। शालिनी जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के लोगों को तोहफा दिया, आप इस बात से इकरार नहीं कर रही हैं कि शायद उन्होंने चुनाव का आगाज किया, हम आपकी बात ही मान लेते हैं। जी जी आप कांग्रेस ने 1500 करोड़ का तोहफा दिया, आप कांग्रेस ने 5 सवाल पूछ रही है, कांग्रेस लगातार आपसे हर रोज 5 सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का पहला सवाल ये है, जिस बिल्डिंग की आज को लोकार्पण किया प्रधानमंत्री जी ने, उसका निजीकरण क्यों किया, उसको निजी हाथों में क्यों दे दिया? मानी सर के एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला अपने बेटे की तारीफ सब करते हैं, तो WHO ने क्यों यूपी की तारीफ करी, मुंबई हाईकोर्ट ने यूपी की तारीफ करी, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने यूपी की तारीफ क्यों करी? फिर आप मीडिया की बात करते हैं, मैं आपको CMIE का डेटा देती हूँ, उसमें आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17.5 से 4.1 आ गया है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें गिरावट हुई है, ये तो मैं आपको डेटा दे रही हूँ जो फैक्ट दे रही हूँ, तो आप डेटा से भटक के बातें ना करिए। उत्पीड़न किया है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, जो कराया है महिला के साथ, जो जिसका पूरे देश ने दुनिया में थूथू हो रही है, और आप मुझको तो शर्म आ रही है, फैक्चुअल बात कर रही हूँ, मैं डेटा बेस्ड बात कर रही हूँ आपसे, कहाँ का डाटा बेस है आप बताइए, पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स है, हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास निर्णय भी है, पर्चा नहीं भरने चला गया, उसकी पट्टी नहीं फाड़ी गई, उसका ब्लाउज नहीं फाड़ा गया, आप बताइए ना, आपको पूरा मौका दूंगा उस्मानी सर, देखिए शालिनी जी से मुझे दूसरा सवाल पूछना है, शालिनी जी दूसरा सवाल पूछना है, शालिनी जी, शालिनी जी जो आपसे मैंने सवाल पूछा था, जो कांग्रेस ने 5 सवाल पूछे हैं, उसका पहला सवाल यही है कि जिस बिल्डिंग का प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, उसको निजी हाथों में क्यों दे दिया? कि जो जो
पावर और जो एनर्जी और जो मनी है, जी जो पावर एनर्जी और मनी ये तीनों चीजों का एकदम सही उपयोग हो, इसीलिए उसको निजी हाथों में दिया गया। मतलब सरकारी हाथों में सही नहीं रहता है क्या? सरकारी हाथ जी नहीं, ऐसी बात नहीं, जहाँ सरकार इसीलिए निजीकरण किया, वरना विपक्ष और बोलेंगे क्योंकि उन्होंने उसमें ये किया वो किया। विपक्ष को तो मौका चाहिए, निजीकरण करे तो दिक्कत है, निजीकरण ना करे तो सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहते हैं। निजीकरण का विरोध हो रहा है शालिनी जी, पूरे देश में निजीकरण को लेकर के विरोध हो रहा है। निजीकरण हमारे एडवांसमेंट के लिए भी जरूरी है, हम निजीकरण को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है शालिनी जी, दूसरा सवाल आ रहा हूँ, आप लोग रुके, मैं दो सवाल पूछ लूँ फिर आपके पास आता हूँ। शालिनी जी सवाल नंबर दो ये है, प्रियंका जी सवाल पूछ रही है कि आपने कहा था बनारस से लेकर के बंगाल के हल्दिया तक जहाज चलेंगे और पूरा शिप चलेगा, यहाँ से आवागमन का काम शुरू हो जाएगा, अभी तक शुरू नहीं बाबू। तो 7 साल के पहले का बनारस और 7 साल के दौरान के बनारस में जमीन आसमान का फर्क है, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे वो कल्चर में हो, ऐसा नहीं आप नकार नहीं सकते कि बनारस में काम नहीं हुआ। हाँ मैं ये मानूंगी जो उन्होंने बोला उसकी वो प्रोसेस में है, वो चल रहा है, लेकिन जितने काम हुए आप उनको भी तो सराहिए। बिल्कुल सराह रहे, उनके जितने काम किए उनकी सराहना हो रही है, काशी आज क्यूटो बन गया है इसमें कोई शक नहीं है जी। शालिनी जी काशी आज क्यूटो बन गया है इसमें कोई शक नहीं है, हम उससे इनकार नहीं करें, लेकिन जो कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं मैं बस वो दोहरा रहा हूँ। तीसरा सवाल एक और है, मुझे ब्रेक पर जाना है, एक छोटा सा सवाल है कि कितने उद्योग लगे हैं काशी में? काशी में बहुत छोटा सा जाना है जी, कितने उद्योग लगे हैं? मुझे तो लग रहा है शायद 1500 कुछ करके उन्होंने 1500 जो है अपने डाउनलोड किए हैं, जो 1500 उनके इवेंट्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, उसका उद्घाटन करा है, उसकी नींव रखी है, किसी का उद्घाटन किया है, किसी की नींव रखी है, तो बहुत ज्यादा। ठीक है शालिनी जी, जी ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने काशी के लिए किया क्या? क्योटा बनाने की बात की थी जब जापान गए थे, क्योटा क्या वो बन गया? 100 नए शहर बसाने की बात की थी, क्या वो बस गए? और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना के कारण जो दिक्कतें हुई उसके लिए पीठ थपथपा रहे हैं योगी जी की, क्या वो सही है? विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जबकि मोदी जी ये कह रहे हैं कि इतने उपलब्धियां हैं कि हम किनको गिनाए और किनको छोड़ें, हमें यही समझ नहीं आ रहा, हम पिक एंड चूज नहीं कर पा रहे। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? क्या हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। Well done, निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए।
मुश्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, हरेंद्र मलिक जी का रुख करेंगे। हरेंद्र मलिक जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इतनी उपलब्धियां हैं गिनाने को कि कौन सी उपलब्धि गिनाएं और कौन सी छोड़ें, वो चूज नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कोई वहां पर डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ। ऐसी तो प्रभु से प्रार्थना प्रभूत काल में कभी नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नंबर एक, 10 करोड़ लोगों का रोजगार गया। प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नहीं, वो 2 करोड़ का रोजगार, सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दिया था मैंने, 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने केंद्र में कही थी, उत्तर प्रदेश में नहीं कही थी। उत्तर प्रदेश में 2 लाख रोजगार देने की बात की गई थी। किसान, 300 से ज्यादा लोग किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश की सीमा भी दिल्ली से लगती, वहां बैठे हुए किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जा रहा है, हजार लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि जा रहा है, आपको पता है ना। रुपए जाते हैं वो नहीं दिखता, वो किसान जो बैठा हुआ है, जो किसान शहीद हो रहा है। एक किसान को 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। अरे 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं, ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है। उस्मानी जरा मैं बोल लूं, 6,000 रुपए क्या ऐसी सम्मानजनक राशि है जिससे आप उसको कर लो, क्या शहादत की कीमत 6,000 रुपए। हरेंद्र मलिक साहब, आपने अंग्रेजी का एक जरूर वो सुना होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 6,000 एक किसान के लिए 6,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। प्रदीप जी, डीजल 40 रुपए की जगह 90 रुपए भेज करके 6,000 रुपए। आपकी बात तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल, बल्कि 100 का आंकड़ा छू रहा है, ये भी मैं मान सकता हूँ। अगली उपलब्धि बता दूं कि पहली बार जब से उत्तर प्रदेश यो देश आजाद हुआ, उत्तर प्रदेश बना, पहली बार गंगा यमुना में इतनी लाशें बही जितनी अब की बार बही, पहली बार इतिहास। ये काम सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, ये पूरे विश्व में हुआ है। पूरे विश्व, पूरा विश्व दूसरी लहर की भयानक चपेट में था। अपने वो पर्दा करने के लिए टीम लगानी पड़ी, टीम की दीवार बननी पड़ी। दूसरी बात, हम ऑक्सीजन की वजह से बना। मैं आपको मौका दूंगा, आप शालिनी जी से सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कुछ आपसे बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी आज वहां पर। इसके अलावा जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, पहले बहुत पतली सकरी गली से होकर के जाना पड़ता था, आज वहां पर खुलापन है, अपने आप वहां पर सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई, मतलब सरकार ने ठीक कर दी। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा काम किया है? बस जाए तो बड़ा काम है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाह रहा था कि देखिए, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बहन शालिनी जी बोल रही है, नौजवान है, अच्छा बोलती है, अच्छा पढ़ करके आती है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगे हैं सूबे के अंदर? आप ऑक्सीजन के महामारी सीधा सवाल आप ही से, ऑक्सीजन के प्लांट और आयुष्मान, एक एक सवाल पूछिए और एक एक का जवाब। ऑक्सीजन के प्लांट
आ रहे हैं, यहाँ सेटअप हो रहे हैं, 500 प्लांट्स की बात हुई है, 14 प्लांट्स इस समय बनारस में लगे हैं, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी वहां गए, उन्होंने वॉरियर्स से भी बात करी। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं आ रहे, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस भी आप लोग देख सकते थे कि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस भी एकदम इंस्टेंट ऑक्सीजन प्लांट्स लाए जा रहे थे। तो इस बात की आप ये भी तो देखिए कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसको काबू करना, और यूपी की ही पॉपुलेशन अमेरिका के बराबर है, तो उसको काबू करने में भी टाइम लगता है। लेकिन पूरे केंद्र से और सरकार की तरफ से हर जगह ऑक्सीजन प्लांट्स की डिमांड को पूरा किया गया, और तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मेडिकल सेक्टर पे बेड, मेडिकल सेक्टर पे बेड, सारे डॉक्टर्स के पास सुख सुविधाएं, और कितने मेडिकल जो आप बनारस में देख लीजिए, जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो सुविधाएं आपको बनारस जैसे शहर में मिल रही है। तो ये उपलब्धि नहीं है क्या? अब कोविड क्राइसिस से सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है हैम्पर हुआ है। ठीक है शालिन जी, ठीक है शालिन जी, सवाल सुन लीजिए जी। कृपा पूर्वक बतावे कितने आईसीयू बेड बने हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं शायद हो सके ना सुना हो, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के परिवारों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की जो कोरोना काल में मौत को चले गए, जिन्होंने मौत ग्रहण कर ली थी, क्या उनके बारे में एक शब्द अगर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की हो तो जरा सा भाषण का मुझे सुनवा दो, मैं क्षमा चाहूंगा फिर आपसे। ड्यूरिंग आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप मुझसे क्षमा ना मांगिए, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस बहुत ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी जब जब आए हैं उन्होंने ये अपना दुख व्यक्त किया है, उन्होंने बोला है और उन्होंने किया भी है जनता के लिए, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोविड क्राइसिस में जनता के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है शालिनी जी, ठीक है हरेन मलिक साहब आपका सवाल हो गया, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, राजीव उपाध्याय जी के पास चलूंगा। राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहें, मैं अपना सवाल उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। सवाल ये है कि बहन जी ने रणनीति फिर बदल दी है, पिछली बार 101 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया था और ये जताने की कोशिश की थी कि वो मुसलमानों की असली हकदार, मतलब मुसलमानों की के पक्ष में खड़े रहने वाली नेत्री हैं, लेकिन इस बार वो कह रही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देंगी और पिछड़ों को टिकट देंगी। नहीं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी सामने आई है ना सर, विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन करते हुए कहीं काट पीट नहीं रहे। ठीक है बहन जी, अभी क्या करती हैं, अभी तो 2-4 महीने बाद टिकटों का नंबर आएगा उसके बारे में, लेकिन रणनीति हमारी यह है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 2009 से 12 में हमने सरकार की चलाई और बहन जी की सरकार की पूरे हिंदुस्तान में तारीफ हुई। ठीक है जल्दी से सवाल पूछ लीजिए शालिनी जी से। ये पूछने थे, शालिनी जी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और आपने क्लिप देखा कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, और अत्याचार होने के बाद आपकी पार्टी या आपकी महिला जो नेता होती थी, आज केंद्र में 11 मंत्री हैं आपके, राज्य महिला आयोग है, केंद्रीय महिला आयोग है। जल्दी छोटा सवाल पूछिए राजीव जी, समय कम है। इन्हीं महिला नेताओं ने आज तक उस घटना की आलोचना नहीं करी, राज्य महिला आयोग से लेकर केंद्रीय महिला आयोग ने ये नहीं कहा कि नहीं हम जा रहे हैं, जाने वाली बात में फिर कहूंगी, इस समय इतना कोविड का, पिछले 2-3 महीने में इतना कोविड का डर था कि जाने वाली बात से तो मैं सहमति नहीं दूंगी, लेकिन ये बात शालिनी जी, ये 2-4 दिन पहले ब्लॉक प्रमुख जब चुनाव हुए हैं तब की घटना है, हम कह रहे हैं न जाते, लेकिन क्या राज्य महिला आयोग से लेकर सेंट्रल तक की या इतने मंत्री, 100 मंत्री आपकी प्रमुख हैं जो छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज्यादा बोलती हैं, लेकिन उन्होंने आज तक न तो इस घटना की आलोचना करी, न तो उन्होंने ये कहा कि नहीं इसकी निष्पक्ष। ठीक है राजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, आपने सवाल काफी पूछ लिए, एक सवाल मेरा ये है कि कोई भी, राजीव जी एक सवाल सुन लीजिए मेरा, आगे बढ़ना है। सवाल यह है कि कोई भी पार्टी आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रही है? भारतीय जनता पार्टी भी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से मुकाबला अपने आप को दिखा रही है, आपका नाम तक नहीं ले रही है, कारण क्या है? है दूसरे पार्टी के बारे में, दूसरे नेता के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम तो इतना जान रहे हैं कि आने वाले समय में प्रदीप जी हम मुद्दों को लेकर जाएंगे, हम 2014-17-19 भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के माध्यम से वादा किया था
उन वादों पे जाएंगे और हम कतई ये नहीं छोड़ेंगे कि हम कोई क्वेश्चन करें कि काला धन कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, उस पे ये बोलिए कि नेहरू से पूछ लीजिए। तो नेहरू जी से थोड़ी पूछने जाएंगे हम, तो इसी प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। नेहरू जी से पूछने के लिए हमको, नेहरू जी से पूछने के लिए हमको दूसरे उसमें जाना पड़ेगा सर ना, दिक्कत ये है। ठीक है आप बने कि नेहरू जी के और इंदिरा जी के और राजीव जी दोषी हैं इसके लिए, तो भाई अगर वो दोषी हैं तो आज की डेट में आप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राजीव जी, राजीव जी सवाल मेरा वहीं पर है, आपको भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। ले रही है नहीं ले रही है ये तो उसका विवेक है। हम उत्तर प्रदेश में 2022 में सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में, आज तक जो 12 के बाद हमारी स्थिति खराब हुई थी उसको हम मजबूत करके सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से चल रहे हैं और 2007 की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। ये देखिएगा आप, हम लोग 2022 में बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, ये दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हो सकता है और शायद ये उम्मीद भी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी बाहर से आपको सपोर्ट कर दे और बहन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। उस्मानी साहब आपके पास आ रहा हूँ जी। उस्मानी साहब सवाल ये है कि भारतीय आज प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, मतलब सीधी टक्कर दिखाई, इसके पीछे का कारण क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चूंकि समाजवादी पार्टी जो है वो कड़ी टक्कर उनको दे रही है, अभी जिला पंचायत के जो चुनाव हुए कड़ी टक्कर दे रही है या और कुछ भी इसके पीछे कारण है। सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी पहले स्थान पे थी, भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पे थी, बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पे थी, कांग्रेस पार्टी चौथे स्थान पे थी। तो जब हम पहले स्थान पे हैं तो हमको ही पहला स्थान देंगे ना वो। और एक चीज आप और पूछ रहे कांग्रेस के मेरे साथी से हरेन्द्र मलिक जी से कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया कितना गिनाए, अरे रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच दिया, चारबाग रेलवे स्टेशन बेच दिया, तेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, तो और क्या प्रचार करेंगे। बेचा नहीं, निजीकरण निजी लोगों के हाथों में दिया। जो ये जो कहेंगे कि अभी ये हमने बनाया था तो वो भी बेच देंगे, लाल किला ताजमहल जो इस देश। अच्छा ये बता दीजिए उस्मानी साहब ये बता दीजिए कि ये हल्ला बोल अब चलता रहेगा या कोरोना की तीसरी लहर के चलते अखिलेश जी फिर से ट्विटर पर आ जाएंगे। संविधान के और कानून के देश के जी लगता है कि उस्मानी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डीआर ताऊ साहब का रुख करते हैं। डेयर साहब साहब आपके पास मैं दोबारा से उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि ये एक बार फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने अखिलेश को ही निशाने पर क्यों लिया, इसके पीछे की राजनीति क्या, रणनीति क्या है। एक इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टी के रूप में पंचायत चुनाव की घोषणा से जो निर्णय है उसमें पता चला परिणाम से, लेकिन उसमें दो चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोविड मैनेजमेंट को एक चुनावी रणनीति बनाएंगे और समाजवादी पार्टी बनाएंगे कोविड मिसमैनेजमेंट को चुनावी मुद्दे बनाएंगे। इसी तरह से फ्यूल प्राइसेस है, तेल की बात है, कुकिंग ऑयल की बात है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें ये लोग घेरेंगे, वो लोग अपना कहेंगे कि हम लोगों ने अच्छा किया। तो कहने की मतलब ये है कि जो इस मुद्दों की आधारित जो भी बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने को डिफेंड करेंगे कुछ बातों में और कुछ समय में कुछ बातों में एग्रेसिव होंगे क्योंकि पंचायत चुनाव में। लेकिन आपको लगता नहीं है साहू साहब, आपको लगता नहीं है प्रधानमंत्री, जैसे मैंने पहले कहा प्रधानमंत्री जी कभी निगेटिव बात नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, वो अपनी उपलब्धियां बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि भाई एक तरह से एक और रिकॉग्निशन है, एक पहचान है कि ये इनको हम क्रस करेंगे और उसमें दोनों के लिए उप है एक एक आपने जैसे मैंने पिछले बार बताया। लेकिन जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी की बात है तो उसमें आपने देखा होगा 2007 के बाद उनकी पूरी ग्राफ गिर रही है, 206 उसके बाद 80 आप देखिए उसके स्टैटिस्टिक देखिए उसके बाद 19 के बाद
आप पत्रकार महोदय जी आपको बतावे 23% पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को नंबर 2 का वोट मिला था, जो वोटिंग है जो बिल्कुल वो बात थी। नहीं, मैं सीट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बेसिस पे यदि हम देखेंगे। साहू साहब, डियर साहू साहब, मैं आपसे एक बार फिर से समझना चाह रहा हूँ। राजू जी, मैं आपके पास आऊंगा कि 2017 का चुनाव हमने देखा था, अमित शाह जी ने सबसे पहले जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें कहा कि हमारा मुकाबला अखिलेश से है, लेकिन फर्स्ट फेज के चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने कहते नहीं, हमारा असली मुकाबला मायावती से है, और मायावती ने मुसलमानों को 100 से ज़्यादा टिकट दिए थे। तो ये जो ध्रुवीकरण था, वहाँ ध्रुवीकरण देखने को मिला सेकेंड फेज से, इसके पीछे क्या क्या ऐसे ही कोई पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं क्या? इसलिए ये एक अच्छा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जितना लड़ेंगे, जैसे कि आप देखे होंगे आम आदमी पार्टी भी हर मुद्दों पे उत्तर प्रदेश में अपनी हल्ला बोल कर रही, इसी तरह से आपने देखा होगा कि ओवैसी साहब आ गए, तो ये सभी अच्छे संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है अपने को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जितने सारे दल जितना लड़ेंगे उनके लिए फायदा होगा। तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में पंचायतों में और उसमें बहुत मजबूत है, और उसके साथ साथ यदि आप ये कल परसों से ये लोग हल्ला बोल जो कर रहे हैं उससे यदि हम क्या सिर्फ इतनी ही बात है या इसके पीछे क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ साहू साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम वो कभी भी छोटा नहीं सोचते, वो उनका उनके माइंड में जो चिप लगी है वो बहुत बड़ी चिप है, वो बहुत बड़ा सोचते हैं। अभी कयास लगाना तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए है और बहुजन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो विभिन्न राजनीतिक दलों की जो अपन जो विपक्ष में है उनकी फायदा भी उठा सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगता है कि जैसे कि 50% से टाइम्स ऑफ इंडिया की जो सर्वे आया है उसमें सभी लोगों का ये है कि शायद मोदी जी सरकार दोबारा रिटेन कर सकते हैं। तो ये कहने की मतलब ये कि अभी तो इस तरह की जो स्पेकुलेशन है उस स्पेकुलेशन में ना जाए, बल्कि अभी थर्ड वेव में ये देखा जाएगा कि थर्ड वेव कितना प्रभावित करता है। यदि नहीं प्रभावित करता है तो सारे राजनीतिक दलों को अपने तरीके से अपने को प्रस्तुत करना ये तैयारी हो गया, जैसे कि आपने बताया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर। ठीक है शालिनी जी, आपसे सारे लोगों ने सवाल पूछ लिया, आपके पास पूरा मौका है, आप जिससे चाहे सवाल पूछ सकती हैं। सवाल तो कुछ भी नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो आज का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि बीजेपी ने अखिलेश जी की गवर्नमेंट को क्यों साधा, या मोदी जी ने वाराणसी गए तो वो उन्होंने शो शुरू कर दिया या इलेक्शन का आगाज कर दिया, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो मेरी अपनी राय है और जो मैं देख रही हूँ, हमारे पास लीडर भी है, लीडरशिप क्वालिटी भी है और सपोर्ट भी है, बाकी पार्टीज में शालिनी जी आपके बिल्कुल जी। तो बस मैं मेरे पास कोई इनके लिए सवाल नहीं है, सवाल ये लोग पूछे जवाब हम देंगे जी। ठीक है हरेंद्र मलिक जी, जी ठीक है हरेंद्र मलिक जी, शालिनी जी कह रहे हैं कि उनके पास में संगठन है, उनके पास में नेता हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पूरा संगठन है और तमाम बड़े नेता हैं। आप लोग एक एक नेता के पार्टी हैं, सिंगल नेता के पार्टी हैं, परंतु एक बात है, इनमें दिमाग बहुत बड़ा है, ये जानते हैं कि इस मुल्क में धर्म के आधार पर अगर राजनीति करोगे तो माइनॉरिटी 21% है और 19 या 21% है, और जो बचा है वो 80% के आसपास, 79 हो या 81 हो, ये हिंदूज की वोट है, मेजोरिटी की वोट है। ये जो आज इन्होंने समाजवादी पार्टी को जो इंगित किया है वो इनकी सोची समझी रणनीति है। ये चुनाव को ये चाहते हैं एन केन पर केन कि ये किसी तरह कम्युनलाइज हो जावे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अखिलेश जी तो ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे नहीं रहे इस बार, के समाजवादी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस भी, बसपा भी, सब लोग संविधान के दायरे में रहकर के चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है, पर एक चर्चा जरूर है कि मुसलमान का समर्थन कांग्रेस के बाद
कहीं ना कहीं समाजवादी पे ज्यादा गया। ये प्रचार इनका आप जरा अगर बंगाल के चुनाव को उठाकर ये असली मुद्दा आया साहब, ये इनका प्रचार ये जरूर रहेगा। और बंगाल के चुनाव को देखिए, बंगाल में जानते थे बहुत अच्छी तरह कि यहाँ केवल टीएमसी की सरकार बनेगी। उन्होंने जानबूझ करके प्रचार किया कि हमारी लड़ाई दीदी से है, और ये उसमें कामयाब हुए कि मुख्य लड़ाई में ये आगे लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया हो गया। चूंकि जो लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थक थे वो भी ममता जी के साथ जा खड़े हुए कि भाजपा को रोकना है। ऐसे हालात में ये यहाँ फिर यही करेंगे। और देखिए, योगी जी की तारीफ करना तो मोदी जी की मजबूरी है जी। योगी आदित्यनाथ ठीक है हरेन जी, आपने जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था वो बात आपने बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करी, उसी को बढ़ा रहे। राजीव उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। शालिनी जी का सवाल यह है कि उनके पास नेताओं की फौज है, कोई कमी नहीं है, युवा नेता से लेकर के बड़े नेता तक, लेकिन आपके पास आप लोग सिंगल नेता के पार्टी हैं, और बात सच भी है। नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बात बताइए कि इतने नेता होने के बाद इनको अभिनेता की जरूरत पड़ती है भीड़ जुटाने के लिए, और हमारे पास नेता ना होते हुए भी वही नेता भीड़ जुटा लेती हैं। अब सोचिएगा आप कि इनको कहीं मंच सजाना हो तो मिथुन चक्रवर्ती चाहिए, राज भला और कोई ना कोई अभिनेता चाहिए, अभिनेत्री चाहिए। हमको किसी अभिनेता और अभिनेत्री की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा कार्यकर्ता ही जुटता है, हमारा कार्यकर्ता ही कार्य करता है, क्योंकि ये तो दूसरे के बल में चलते हैं, तभी तो दूसरे को पूरी सरकार देती। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की सारे उपक्रम जो है उनमें से जितने अच्छे वाले उपक्रम थे, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो तो, लखनऊ का हो ठीक है, ठीक है, वो उस पर बात हो गई, ठीक है वो उस पर बात हो गई। शालिनी जी आपने सुना, वो क्या करें, 125,000 से एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, आपके तमाम नेता के लिए अकेली मायावती काफी है। राजीव जी जवाब ले लेते हैं, समय कम खत्म हो गया है। इलेक्शन में भी मिल गया था, इस इलेक्शन में भी मिल जाएगा, बिल्कुल लगातार जवाब मिल रहा है। राजीव जी 2009 से लगातार जवाब मिल रहा है, शालिनी कम उम्र में बहुत मैच्योर जवाब दे रही है। हाँ नहीं, बहुत प्रोफेसर है भाई, और प्रोफेसर साहब तो वैसे ही पढ़े लिखे होते हैं जी। साहू साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप भी प्रोफेसर हैं। जो मैं समझना चाह रहा था वो हरेन मलिक साहब ने अपने अनुभव से बता दिया आपको। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जो चुनाव होने वाला है उसमें अब मुसलमानों का क्या रुख रहेगा, क्या वो ओवैसी साहब के साथ में जाएंगे, या अगर समाजवादी पार्टी जीतती दिखी तो वो उनके साथ में जाएंगे। जो चुनाव रणनीति है वो कुछ जमाने से कांग्रेस पार्टी भी उस समय उससे कर रहे थे, तो बात वही है कि कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूत राजनीतिक दल और एक संगठन के रूप में जो उनकी रणनीति है उसमें इनको ये लगता है कि हर राजनीतिक दलों में इतनी विभाजन कर दो, इतने लोग प्रतिस्पर्धाएं आ जाए जिसकी वजह से हम अपने आप रास्ते में आ जाए, और उनकी एक संगठन और आर्थिक स्थिति संसाधन सब मतलब सब बिखरा दीजिए पूरा जी। उत्तर प्रदेश राजनीति भारत की 2022 के चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा और एक स्ट्रेटजी की तरह देखा जाएगा। मैं अपना स्पेसिफिक सवाल आपसे फिर समझना चाहूंगा साहू साहब, समय खत्म हो गया है। सवाल वही है कि ये मुस्लिम कहाँ जाएगा, 19% अल्पसंख्यक किधर जाएंगे, क्या ओवैसी के साथ जाएंगे, या जीतती हुई पार्टी अगर दिखाई दी अखिलेश तो उसके साथ जाएंगे। एक तरह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बहुत बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी ही एक तरह से पूरी जो एक विपक्ष का जो भूमिका है उस समय इस तरह से बात करती है, मुसलमान जो है उनके साथ रहेगी जी। और ये इकाकिया जी, और ये इकाकिया यही कारण है कि मोदी जी सीधे टारगेट कर रहे हैं अखिलेश को, जिससे कि ध्रुवीकरण हो सके, मान सकते हैं। लेकिन यहाँ ये एक स्ट्रेटेजी हो सकता है, ये एक रणनीति का एक आधार। मलिक साहब स्टेज, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, सॉरी आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे पास वक्त इतना ही था, समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपके पास जाऊँ। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2022 के चुनाव का आगाज हो गया है,
प्रधानमंत्री जी ने काशी से आगाज किया तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में हल्ला बोल किया और कांग्रेस कल से शुरुआत करेगी, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आएंगी। बसपा ने अपना जो फार्मूला है वो बदल दिया है, उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर दिया है। अब अंजाम क्या होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।